बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहिए। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश फॉर ग्रेड 7। लेट्स ओपन इट। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 1, स्ट्राइविंग फॉर पीस, and this is page number 11. All right, today I will discuss with you participles. Participles kya hote hain, isko hum kaise use karenge, with the help of examples main aapko explain karungi. To students, participles kya hain? ing ke sath bhi hote hain aur ed ke sath bhi hote hain. Dekhiye, jab hum ing lagate hain वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है ना, तो या बेस फॉर्म आप इसे कह दें, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। इसी तरह से जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसको हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ऑलराइट, अब कुछ पार्टिसिपल्स रेगुलर होते हैं, कुछ होते हैं इररेगुलर पार्टिसिपल्स, ठीक है। अब हम इस लेक्चर में रेगुलर पार्टिसिपल्स डिस्कस करते हैं। चलें स्टार्ट लेते हैं। पार्टिसिपल्स हैं आईएनजी एंड ईडी, रेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगी। द फोर फॉर्म्स ऑफ द रेगुलर वर्ब्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, द इन्फिनिटिव और बेस फॉर्म। दिस इज द फॉर्म विच यू फाइंड इन द डिक्शनरी। इट डज नॉट हैव एनी एंडिंग्स। For example, look, love, hug, cry. All right. This is also the imperative command form. Infinitive में क्या है, इसकी example जिसकी कोई ending नहीं है, जिस तरह से look, love, hug, cry हो गया। अच्छा, number 2 में क्या है, the S form made by adding an S to the base form, sometimes with spelling change. अब देखिए इसी तरह से, अब ये जो ऊपर मैंने examples आपको बताई है ना, look, love, hug, cry, इसके साथ जब हम s ऐड कर दें, ठीक है ना, इनके साथ जब हम s ऐड कर दें, ये सब वर्ब्स हैं ना, s ऐड कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल looks, loves, hugs, cries, ठीक है। अब एक और इसकी क्या फॉर्म है, द आई एन जी पार्टिसिपल मेड बाई एडिंग आई एन जी टू द बेस ऑफन विद अ स्पेलिंग चेंज। अब देखिए, जिस तरह मैंने लेक्चर के आगाज़ में आपसे कहा कि हम आई एन जी भी तो यूज़ करते हैं ना पार्टिसिपल्स के साथ, ठीक है, जिसको हम जेरेंट भी कहते हैं। जेरेंट्स आर वर्ब्स इन देयर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और बेस फॉर्म। जब हम बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, तो वो एक्ट करता है एज अ नाउन सेंटेंस में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जो है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है। अब स्मोकिंग क्या है, इसमें जेरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हीं वर्ब्स को हम क्या करेंगे, आई एन जी लगा देंगे, लुकिंग, लविंग, हगिंग, क्राइंग। ऑलराइट, अब इसी तरह से नंबर 4 देखिए, द ई डी फॉर्म मेड बाय एडिंग ई डी टू द बेस often with a spelling change. अब इसी तरह से हम ed भी लगा सकते हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल looked है तो looked हो जाएगा, loved, hugged, cried, ठीक है। इन्फिनेटिव में क्या क्या, सिंपल है, इसकी कोई एंडिंग नहीं है, ठीक है, look, love, hug, cry. अब एक और हमने क्या किया, s simple लगा दिया, looks बन गया, loves, hugs, cries हो गया। फिर नंबर 3 में हमने क्या किया, बेस फॉर्म के साथ ing लगा दिया, ठीक है। नंबर 4 में हमने क्या किया कि इसकी थर्ड फॉर्म कर दिया, ed आप कह दें, ed लगा दिया, ठीक है। ये सब रेगुलर वर्ब्स हैं। ऑलराइट, रेगुलर वर्ब्स में नॉर्मली ed आता है और ओके वर्ब के साथ। जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो हम रेगुलर वर्ब्स में ed सिंपली ऐड कर देते हैं, तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, looked, loved, hugged, cried। ऑलराइट, तो आपने आज क्या सीखा, आज हमने पार्टिसिपल डिस्कस किए, ठीक है, आई एन जी के साथ और ई डी के साथ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. और ये कौन सी बुक थी? ऑक्सफर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश फॉर ग्रेड 7.